अगला जो मुकाबला है टीम पाकिस्तान के लिए, दैट वुड बी टफ, मोर टफ. वर्ल्ड कप तो एक था ही, इट वॉज अ टफ कॉल, एंड नाउ द टफेस्ट कॉल इज देयर, ऑस्ट्रेलिया. टूर टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट खेलना. आज तक पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी टीम जो वहाँ गई हैं वो सीरीज अपने नाम नहीं कर सकें. आर टीम वुड बी गोइंग देयर, स्क्वाड का ऐलान हो गया है, एंड द न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम, द सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन वहाब रियाज हैज कॉल्ड दिस स्क्वाड आउट. स्क्वाड आपको बताते चले, सबसे पहले शान मसूद वुड बी कैप्टनिंग द साइड, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील एंड शाहीन शाह आफरीदी. सो दिस इज द स्क्वाड दैट हैज कम आउट. और आपको एडिशन कुछ दिख रहे हैं नामों के, यू टॉक अबाउट साइम अयूब, अ यंग टैलेंट, शायद अभी टेस्ट में उनको एक्सपीरियंस के लिए शायद लेकर जाया जाए, बिकॉज इमाम और अब्दुल्ला आर आर सेटल्ड ओपनर्स. सो शान आल्सो, शान खुद जो है वो वन डाउन आएंगे, या ये तो आगे जाके वो कैप्टन जी खुद प्लान करेंगे. देन वी कैन सी सरफराज एज दी विकेट कीपर, बिकॉज लास्ट मैच में वो विकेट कीपर थे, और बैकअप पे मोहम्मद रिजान वुड बी गोइंग विद हिम. सो ये आपको दो विकेट कीपर्स दिख रहे हैं विद द बैकअप ऑफ विकेट कीपर्स, एंड देन फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलर्स की भरमार है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी हैं, मीर हमजा हैं, खुर्रम शहजाद हैं, वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, आमिर जमाल हैं, फहीम अशरफ हैं, सात फास्ट बॉलर्स इस स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा नंबर है. स्पिनर्स में हमारे पास एक दो स्पिनर्स की ऑप्शन है, अबरार हैं और नोमान हैं, ये दो स्पिनर्स की हमारे साथ ऑप्शन है. इसमें वैसे देखा जाए तो ये सलमान अली, साइम अयूब और ये जो खुर्रम शहजाद है, ये दो बहुत ज़बरदस्त एडिशन है, और मैंने इसको देखा है, ये अच्छी बॉलिंग करता है खुर्रम शहजाद. हाँ. इसका डेल स्टेन से एक्शन भी मिलता है, इसकी बॉल में स्विंग है, अल्लाह करे कि ये वहाँ अच्छी बॉलिंग करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर हो सकता है. साइम अयूब देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है. देखें, जब भी इंसान आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी होती हैं. हम भी गुजरे इसमें, मेगा और भी पाकिस्तान के प्लेयर गुजरे होंगे, इसके साथ ये खुद भी सीखता रहा तो ये बहुत डेंजरस प्लेयर होगा. इसमें एबिलिटी है और ये कर सकता है चीज़ें, ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बन सकता है. और एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, हारिस रऊफ की बात, हारिस रऊफ नज़र नहीं आ रहा इसमें, होना चाहिए, हमारा जेन्युइन फास्ट बॉलर है. हारिस रऊफ की यूज ऑफ क्लैरिटी दी है वहाब रियाज ने, एंड सबसे पहले आई वुड अप्रिशिएट वहाब रियाज फॉर बीइंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लैरिटी. जो हम बार बार कहते हैं ना, देर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. अगर आपने ये सिलेक्शन की है तो इन लड़कों की सिलेक्शन क्यों हुई है, और अगर हारिस, बिकॉज सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये होता है कि कहाँ है हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, बिकॉज हमारे पास नसीम इस वक्त नहीं है, एहसानुल्ला नहीं है, देर इंजर्ड, देर नॉट अवेलेबल टू प्ले. तो ऑब्वियसली सो हारिस रऊफ की उन्होंने बहुत क्लैरिटी में बात बताई कि कल रात तक हारिस रऊफ वॉज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, मगर हारिस रऊफ ने अनअवेलेबिलिटी दे दी अपनी खुद. इन द मॉर्निंग ही टोल्ड, ही जस्ट कम्युनिकेटेड टू द टीम एंड ही सेड के वो अवेलेबल नहीं है. दो के उनको ये बताया भी गया, ये उनको कम्युनिकेट भी किया गया, एंड दिस इज़ वॉट द चेयरमैन वहाब रियाज स्टेट्स, कि उनको कम्युनिकेट किया गया कि हम आपको बहुत संभाल के इस्तेमाल करेंगे. ऑब्वियसली आप एक रिगरस वर्ल्ड कप से आ रहे हैं, सो 10 ओवर का स्पेल हमें आपसे चाहिए, बिकॉज हमारे पास इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले फास्ट बॉलर्स नहीं हैं. बट ही डिड नॉट अग्री टू द फैक्ट एंड ही डिड नॉट शो हिज अवेलेबिलिटी फॉर टीम पाकिस्तान गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. मुशी भाई, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, क्या प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट? वहाब ने तो बहुत अच्छा सेट किया है दैट ही हैज़ जस्ट कम आउट एंड टोल्ड एवरीवन कि ये रियलिटी है, बट हारिस रऊफ की तरफ से व्हाट वुड यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक पहले बात तो क्रेडिट देना चाहिए वहाब रियाज को. आते ही उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही इज बीन वेरी ऑनेस्ट, ये क्लैरिटी थी, ऑनेस्ट उसने बात की, जो कम्युनिकेशन हुई, जो आपने बताया, मैंने सुना नहीं, आपने जो बताया, आई एम गोइंग विद योर वर्ड्स, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कम्युनिकेशन हुई, फिर उस देन आई थिंक हारिस रऊफ पुल्ड. अच्छा, हम किसी डाउट में नहीं रहते, डोंट गो विद माय वर्ड्स, हम सुना देते हैं कि हारिस रऊफ के हवाले से वहाब ने क्या कहा. वी विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर में हम सुनाएंगे, बिकॉज़ आवर प्रोडक्शन टीम इज मेकिंग इट रेडी, बट यस, योर कमेंट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हारिस रऊफ टू अंडरस्टैंड दैट, कि अगर आपका चीफ सेलेक्टर या आपका कप्तान या आपका कोच आपको लेके जाना चाहते हैं
और आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है, तो समटाइम यू हैव टू सैक्रीफाइस फॉर योर नेशनल टीम, और पाकिस्तान के लिए सैक्रीफाइस करना चाहिए था। और जो वहाब रियाज कह रहे हैं कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है, पहले कह रहे थे ठीक है, इज दैट करेक्ट के जी, फिर उसके बाद कल रात तक ही वाज द पार्ट ऑफ द बस, पर फिर उन्होंने कहा जी कि आई नीड अ रेस्ट, यही होगा ना, आई नीड अ रेस्ट। तो आई थिंक इसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं ना, उनके पास चॉइस नहीं होती। अगर वो फिट हैं और वो दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम पीसीबी एवरी मंथ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ये होता है कि आप बाउंड हो गए हैं पीसीबी की हर बात मानने की, नौकरी ते नकरा की। तो आई थिंक हारिस रऊफ को जो भी है, अगर उसके कोई उसको रेस्ट करना था तो फिर कम्युनिकेशन करके ये कहते हैं कि जी मैं मेंटली या फिजिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद जो वहाब ने बात की है बिल्कुल सही बात की है कि उसने अगर कम्युनिकेशन की है एज ए चीफ सेलेक्टर कि हम तुम्हें लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और वो नहीं गए, तो आई थिंक हारिस रऊफ की तरफ से ये अच्छा इंटेंट नहीं है। सही, चले देखते हैं कि क्या हम लाला हम बात यही कर रहे थे पहले कि कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, और वहाब रियाज ने ये चीज़ सफ़र की थी, जब वहाब ने और आमिर ने टेस्ट से ब्रेक लिया तो वो टीम से ही बाहर हो गए। तो अब यहाँ पर वही सिचुएशन आ चुकी है, क्या वाकई हारिस जो है वो फटीक का शिकार है और उनको रेस्ट ड्यू हो सकता है, उन्होंने कम्युनिकेट किया हो मुकम्मल तौर पर, बात हुई हो। सेकेंडली अब मेक श्योर क्या पीसीबी को करना होगा या हारिस को करना होगा, ये रेस्ट लेकर कोई लीग खेलने ना जाए वो, अब अगर रेस्ट है तो मतलब वो आराम कर रहे हैं, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं वो। देखें पहले तो वहाब रियाज को मैंने भी नहीं सुना जिस तरह मुशबे कह रहे हैं, जरा एक दफ़ा खुद से सुन लें तो फिर क्लियर हो जाएगी पिक्चर की क्या कम्युनिकेशन हुई है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो कम्युनिकेशन हुई है, सबसे अच्छी चीज़ जो कि बहुत लैक कर रहे थे हम बीच में, और या हम हमेशा उसकी बात करते रहे हैं। तो ओवरऑल वहाब रियाज वेरी वेल डन, बहुत अच्छा स्क्वाड आपने अनाउंस किया है, और मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात करूँगा क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्ट की है, और वो है आबिद अली। आई डोंट नो कि वो किधर है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पास्ट में रही हैं, तो मेरे ख्याल में हम अब जो बात करते रहते हैं कि हम प्लेयरों पे इन्वेस्ट करते हैं फिर उसके बाद प्लेयरों का पता नहीं चलता, तो अगर आप लोगों के पास कोई आबिद अली के हवाले से न्यूज़ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी देख रहा था बड़ा अच्छा कायद अजम ट्रॉफी वगैरह में उसने परफॉर्म किया, इस साल भी मेरे ख्याल में कोई 180 की इनिंग खेली है, फिर 50-60 इनिंगों में इस तरह की परफॉर्मेंस उसकी रही है, तो अगर आप लोगों के पास कोई वजह और हो कोई रीज़न तो वो प्लीज़ हम शेयर कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। फिटनेस भी उसकी मेरे ख्याल में खेल रहा है तो इसका मतलब है फिट भी है जी। लाला आबिद अली की जहाँ बात कर रहे हैं, एक तो अभी इस वक्त द नंबर ऑफ ओपनर्स दैट वी हैव करंटली इन आर स्क्वाड, एक तो नंबर ऑफ ओपनर्स खुद ही हो जाते हैं कि कप्तान भी इसी उस पर हैं, फिर उसके बाद इमाम भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, आबिद को शायद अभी भी दे आर वेटिंग फॉर सम सूटेबल कंडीशंस कि उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आया जाए इंटरनेशनल सिनेरियो में, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ कॉल और एकदम से उस टफ कॉल में वो शायद भेजना नहीं चाहते। बट फिटनेस की जहाँ बात है, यस आबिद अली इज़ फिट, ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द डोमेस्टिक सेटअप विच मीन्स ही मस्ट बी अवेलेबल फॉर द टीम।